अस्सलाम वालेकुम। आप जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के मोबाइल की, वो है डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन कि आपके जो मोबाइल का जो डिस्प्ले है वो कैसा है। डिस्प्ले में तीन चीज़ें आ जाती हैं, एक आ जाती है स्क्रीन, एक आ जाती है उसमें स्क्रीन की इन्फॉर्मेशन, दूसरी आ जाती है इसमें डेंसिटी, एक उसमें इन्फॉर्मेशन आ जाती है स्क्रीन की, और स्क्रीन में कौन कौन सी चीज़ें इन्फॉर्मेटिव हैं जिसमें जिसका आपको पता होना लाजमी है कि आपके मोबाइल में जो स्क्रीन है उसमें क्या क्या है। डेंसिटी भी आपके मोबाइल की बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसकी डेंसिटी कितनी है, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है रेजोल्यूशन। तो मैं वन बाय वन आप लोगों को डिटेल से अच्छी तरह बताती हूँ, इसका मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करके बताती हूँ। इसमें सबसे पहले है ना स्क्रीन, तो हाँ जी हम देखेंगे पहले स्क्रीन। अब ये मेरा मोबाइल है तो मेरे मोबाइल में इसकी सारी इन्फॉर्मेशन होगी। आप देखिए इसमें जो स्क्रीन का जो साइज़ है वो क्या है, नॉर्मल स्क्रीन, मतलब मेरी जो स्क्रीन है अब आप देख रहे हैं इतनी बड़ी भी नहीं है और इतनी छोटी भी नहीं। अब ये देखना ये क्या है, ये इसका बिल्कुल नॉर्मल साइज़ है। फिज़िकल साइज़ इसका कितना है, वो कितना है 6.52 इंचज़ जो है ये इसका क्या है फिज़िकल साइज़। स्क्रीन साइज़ नॉर्मल है और जो फिज़िकल साइज़ है, फिज़िकल साइज़ भी आपने देखा वो क्या 6.52। अब जो डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन है वो है इसकी पोर्ट्रेट। स्क्रीन की विर्थ कितनी है, ये जो विर्थ ये इसकी विर्थ होती है, विर्थ कितनी है स्क्रीन की, वो है 720 पिक्सल। ठीक है, स्क्रीन हाइट कितनी है, वो है 1600 इसकी हाइट है। और दूसरी हम देखेंगे स्क्रीन की विर्थ भी आप लोगों ने देखी, वो 720 पिक्सल है। स्क्रीन की जो हाइट है वो क्या 1600। रिफ्रेश रेट इसका कितना है, 60 पॉइंट समथिंग FPS ये इसकी क्या है रिफ्रेश रेट है। नेम क्या है इसका, बिल्ड इन स्क्रीन। अच्छा ये जो स्क्रीन है ना आपने इसका साइज़ भी देख लिया, फिज़िकल साइज़ भी बता दिया, डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन का भी पता चल गया आपको, और स्क्रीन की विड्थ का भी पता चल गया, और मैंने आप लोगों को रिफ्रेश रेट का भी बता दिया और नेम का। अब जो मेरे जो मोबाइल में जो स्क्रीन यूज़ हो रही है ना उसका जो नेम है ना वो आप देख लो, उसका जो नेम है वो क्या है बिल्ट इन स्क्रीन। ठीक है ना, तो आपके मोबाइल में कौन सी स्क्रीन यूज़ हो रही है आपका यहाँ पर डिफरेंट नेम लिखा होगा, तो आपकी मोबाइल में जो भी स्क्रीन यूज़ होगी ना तो उसका बिल अलग से नेम होगा। ये मेरी स्क्रीन का जो नाम है वो क्या है बिल्ट इन स्क्रीन। अब हम देखते हैं जी अपने मोबाइल के स्क्रीन की डेंसिटी डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन में। हमने पहले स्क्रीन के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे डेंसिटी। डेंसिटी में आप देखिए डिस्प्ले बकेट इसका कितना है, वो HDPI है, और डिस्प्ले DPI कितना है, वो है 320 DPI। XDPI कितना है, वो है 268.941 DPI, और ये कितना है इसका YDPI इसका कितना है, वो है 269.139 DPI। ठीक है ना, अब देखें ये इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। ये अब आपको डिफरेंट इन्होंने बताई है। अब इसकी ये लॉजिकल डेंसिटी, लॉजिकल डेंसिटी इसकी कितनी है, वो है 2.0, और इसकी स्केल डेंसिटी कितनी है, वो है 2.0। ये जो लीगल डेंसिटी, लॉजिकल डेंसिटी सॉरी आप देख लें, और स्केल डेंसिटी वो कितनी है, इन दोनों की सेम है। तो ये डेंसिटी की ऑल इन्फॉर्मेशन है कि डिस्प्ले बकेट कितना है आपके मोबाइल का, जो भी होगा तो यहाँ पे मेंशन होगा, और डिस्प्ले DPI कितना है वो आपके अपने मोबाइल का यहाँ पे मेंशन होगा। XDPI कितना है, YDPI, XY जो दोनों हैं इसके वो क्या हैं डिफरेंट हैं, इसमें इतना ज़्यादा इसमें थोड़ा सा फ़र्क है, ये 268 है तो ये कितना है 269 है। ठीक है ना, अच्छा अब यहाँ पे जिसका जो है लॉजिकल डेंसिटी हो गई और स्केल्ड डेंसिटी होगी, ये दोनों क्या है इसमें, अब इसमें देखें लॉजिकल डेंसिटी इसकी और जो स्केल डेंसिटी है दोनों क्या हैं इसमें बिल्कुल सेम है। ठीक है, डेंसिटी का भी मैंने आप लोगों को डिटेल से मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, तो वो भी क्या है इसमें, इसमें आप अपनी डेंसिटी भी देख सकते हैं। ये मैंने आप लोगों को डेंसिटी का भी डिटेल से बता दिया। उसके बाद हम देखेंगे रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन में है एक है यूजेबल विर्थ इसकी कितनी है, वह 720 पिक्सल है, और इसकी जो यूज़ेबल हाइट है वो अच्छा ये यूज़ेबल विड्थ जो हम इसकी ना यूज़ करने के काबिल है वो कितनी है, वो है 720। ठीक है ना, और यूज़ेबल जो इसकी हाइट है ना वो इसकी कितनी है, वो है 1456 पिक्सल है। ये है यूज़ेबल इसकी विड्थ, ये है यूज़ेबल इसकी हाइट, ये दोनों आप देख लें। उसके बाद है डेंसिटी इंडिपेंडेंट विड्थ, वो कितनी है 428 DPI, और ये जो डेंसिटी इंडिपेंडेंट हाइट, हाइट इसकी कितनी है, वो कितनी है 860। रेजोल्यूशन पावर, अब आपने सीधे इसकी ना पावर कितनी है, पावर आपकी देखिए यूज़ेबल की और जो विर्थ है और हाइट इन दोनों की जो है डिफरेंट है आपस में। ठीक है ना, अब जो डेंसिटी इंडिपेंडेंट विर्थ है और डेंसिटी मैंने हाइट, हाइट और विर्थ इनकी डेंसिटी इंडिपेंडेंट भी हमने देखनी है कि इंडिपेंडेंट इसकी कितनी है, यूज़ेबल की भी विर्थ हाइट इनकी भी हमने दोनों, इनकी हाइट की कितनी मतलब रेजोल्यूशन की कितनी इनमें ना पावर है। तो अभी आप लोगों ने इसकी यूज़ेबल भी देख ली है और इसकी विर्थ भी हमने देख ली है कि इसकी विर्थ कितनी है, वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को डिटेल से बता दी है।
इसके बावजूद भी अगर आप लोगों को समझ रहा है तो आप मुझसे ज़रूर कमेंट्स में आप मुझे बताएं, तो कमेंट्स में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को हर सवाल का जवाब दूंगी। थैंक यू सो मच।